नीरव मोदी भी भाग जाते हैं, मिल चौकसी भी भाग जाते हैं और ये सब भगोड़े विदेश में बैठकर भारत की राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं। मिश्रा जी, ये जितने भगोड़े हैं अभी हमने चाहे ललित मोदी को देखा, एक बार सुनिए सर, आपका टर्म हो गया, सर आपका टर्म हो गया, विपक्ष कहता है वो आपका टर्म हो गया, आपका टर्म हो गया, मिश्रा जी खड़ा रहे वो नेता नहीं। मिश्रा जी आपसे ये समझना चाहेंगे, चाहे ललित मोदी को भाग गया वो वहां से विदेश में बैठकर भारतीय राजनीति का मजाक उड़ाता है कि इन दोनों पार्टियों को लड़वाता है, अब वही काम विजय माल्या कर रहा है, एक बयान देकर दोनों पार्टियों को लड़वा रहा है, हमारी राजनीति में ऐसा क्या लूज पोजो, ऐसे भगोड़े विदेश में बैठकर जो अय्याशी करते हैं और भारतीय राजनीति को नेताओं को आपस में लड़वा रहे हैं। नहीं देखिए, उनका मेन जो जितने भी भगोड़े हैं उनका तो पर्पज ये है कैसे भी प्रेशर बना करके हम अपना काम निकालें, अपने आप को सेफ करें। कमी यहाँ पे क्या है, कमी यहाँ पे हमारे राजनीति जो राजनेता हैं उनकी है और हमारे सिस्टम की है। इसीलिए बात मैं कर रहा था, भोपाल जो त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड का जो MD था एंडरसन जब भागा था, इतने बड़े सिस्टम होते हुए, इतनी बड़ी पुलिस चौकसी होते हुए भाग गया। आज विजय माल्या भाग गए, ये भाग गए, वो भाग गए। देखिए एक टर्म मैंने यूज किया था, सेटलमेंट। ये सारे नेता लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट, इतना लाइटली बोल रहे हैं। एक आदमी मर्डर करके आए, एक आदमी एक्यूज्ड है 9,000 करोड़ रुपए और आके संसद में बोल रहा है कि पॉइंट है सेटलमेंट। सेटलमेंट का सर आप लोगों ने मजाक बना दिया है। सेटलमेंट एक क्रिमिनल के साथ, एक भगोड़े, एक ऐसे आदमी के साथ आप सेटलमेंट करोगे? जी 9,000 करोड़ लिया है, चलो आप 2,000 आप ले लो, 2,000 मैं दे देता हूँ, बाकी सारा लोन जो है वे माफ कर दो। क्या मजाक वाली बात है सर आप लोग कर रहे हो, ऐसे सिस्टम काम करता है? अच्छा दूसरी चीज आप ये देखिए, मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैकेनिज्म है, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आपने भगा दिया तो आपके सिस्टम का, आपके मैनेजमेंट का ये फेलियर है, आप क्यों नहीं मानते हो इस चीज को? चाहे कोई भी पार्टी हो, एंडरसन भागा तो उस वक्त के गवर्नमेंट का ये फेलियर है, इफिशियंस, चाहे वो विलफुल हुआ हो चाहे नेग्लेक्टेड हुआ हो, 100% इफिशियंसी नहीं होती है। लगातार आपके टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे चार चार लोग भाग गए। इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपने रखा है कि एक्यूज्ड आके, अपराधी आकर के बोल रहा है मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, 2.5 साल तक आपने बोला नहीं, और देशभक्त और ये सारी चीजें सारे नेता लोग बनते हैं, उसी वक्त आपने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं आपने एजेंसियों को इन्फॉर्म किया? ये पॉइंट आपका है, अब हम थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपको लगता है कि आपकी सरकार वापस आएगी, लेकिन फाइनल कमेंट लेंगे हम AK मिश्रा जी आपसे। अब आपने देखा कि तीन राज्यों में चुनाव होना था, अब तेलंगाना भी आ गया, मिजोरम में, 4-5 राज्य हो जाएंगे चुनाव लोकसभा से पहले। हालांकि बात ये भी चल रही है कि हो सकता है इसको एक साथ करवा दिया जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन अब आपको लगता है कि अगर ये 5 राज्यों में चुनाव लोकसभा से पहले होते हैं, जो कि 2-3 महीने 4 महीने का समय होगा, ये मुद्दे, अब इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, बीजेपी पर कितना मुश्किल होगा, कितना भारी पड़ेगा ये मुद्दा? नहीं देखिए सिंह साहब, मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली जो मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। विजिबल और एक्सपीरियंस करने के लायक, यानी कि टेंजेबल या इनटेंजेबल वे में उसका असर पड़ता है, ये डिफरेंट चीज है। हो सकता है बीजेपी फिर सरकार बना ले, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से फर्क क्या पड़ता है कि आपकी जो ग्रैंड विक्ट्री रही है ना, वो ग्रैंड विक्ट्री नहीं रहेगी। जैसे गुजरात में आपकी मार्जिनल विक्ट्री हुई, कर्नाटक में आप 4-6 सीट से पीछे रह गए सरकार बनाने से। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट बना ले या कांग्रेस बना ले, लेकिन इन मुद्दों को अगर बीजेपी ठीक से टैकल नहीं कर पाई, देखिए 4 साल तक बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉलिटिकल होलसम अट्रैक्टिवनेस को मेंटेन करके रखा, मैग्नेटिज्म को मेंटेन करके रखा। ये ऐसे मुद्दे छोटे छोटे जो निकलते हैं वो डीमैग्नेटाइज करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज को, और धीरे 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 करके पब्लिक कन्विंस होती है, आपका वोट बैंक खिसकना शुरू होता है। तो इसमें रिजल्ट दो होंगे, हो सकता है उतनी ग्रैंड स्लैम आपकी विक्ट्री ना हो, क्लीन स्वीप आप ना कर पाए, बॉर्डर लाइन पे चले जाए, बॉर्डर लाइन से कुछ कम हो, आपको बाहरी लोगों से लेना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इतना तय है कि अगर बीजेपी इसको उतने इफेक्टिव वे में नहीं करती तो असर पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन सरकार में बीजेपी आ जाएगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी बहुत बोल सारा की नहीं। देखिए अभी सर साल भर का 9 महीने का टाइम है, यहाँ पे तो एक एक दिन में सारी मानसिकता बदल जाती है।
एके मिश्रा जी हमारे साथ समीक्षक है, आपको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, हर बोला जाता है कि भाई राजनीति में मुद्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं। हर बयान के हर 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 घटनाक्रम के एक मायने होते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसका लफा नुकसान लेती हैं। अब ये जो मामला है विजय माल्या के मामले पे अरुण जेटली पर हमला सीधे सीधे किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और वो मोदी के बाद दूसरे बड़े आदमी माने जाते हैं बीजेपी में, तो ऐसा आपको लगता है कि इस कांड के बाद से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है और इसका खामियाजा उसको 2019 में भुगतना पड़ेगा? नहीं अंजनी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए क्या सही है क्या गलत है वो एक डिफरेंट चीज है। कोई एक अफवाह भी वोटरों की मना स्थिति को बदलने के लिए बहुत काफी होती है। मंडल कमंडल और उसके बाद आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही मुद्दे हैं, तीन तलाक के मुद्दे ऐसे ही मुद्दे हैं। बेनिफिट कम होता है लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट इंस्टेंट होता है, इसीलिए पार्टियां बनाती हैं। मैं एक चीज और बोलता हूं, भूल जाइए ये मुद्दे को, रिकवरी होगी कि नहीं होगी वो डिफरेंट चीज है। देखिए होता क्या है, बीजेपी क्यों बैकफुट पे आएगी, एक कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल वियर एंड टियर। इतने बड़े देश को जब आप चलाते हो ना कुछ गलतियां आपसे होती हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके रखा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ द पास्ट इयर्स, पास्ट की जितनी भी गवर्नमेंट थी, लेकिन एक नेचुरल वे में कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। कांग्रेस को इन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया था, कांग्रेस को अब मुद्दे मिलने लगे हैं। और इसका फर्क कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूं। गुजरात इलेक्शन के टाइम पे ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक टीवी चैनल पे, नो मोर क्लीन स्वीप बाय बीजेपी। उसका रीजन है, विकास का मुद्दा गुजरात इलेक्शन के बाद दफन हो गया, उसके बाद इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की ना मुद्दा बनाया। एक मुद्दे को आप कितनी बार कितनी देर तक भुनाओगे, जो वोटर्स होता है उसकी भी मेंटेलिटी मोनोटोनस हो जाती है, वो नया चाहता है, तो इसलिए विकास की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि धीरे धीरे करके एक एक मुद्दे ऐसे निकलेंगे, वो सही हो या गलत हो वो जांच का विषय है, लेकिन अगर र्यूमर भी ऐसे बनते हैं और मुद्दे निकलते तो जाएंगे और बीजेपी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी तो नुकसान होगा। मान लिया जाए कि जो बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी सीना ठोके कहते हैं कि एक आरोप साबित कर दो तो जाने, अब मतलब इसी बहाने ये लोग उनके ऊपर आरोप लगाएंगे भाई तुम्हारे राज्य में भी घोटाला हुआ है, जैसे इनके राज्य में लगातार घोटाले कितने घोटाले होते थे, अब इनको भी एक मुद्दा मिल गया। सिंह साहब देखिए आपने बड़ी उम्दा बात बोली है, आरोप दो तरीके के होते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो तो कमिटेड है कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन आरोप दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने कोई गलत काम नहीं किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सरकार के अंदर कोई घटना हो गई, पब्लिक में कोई घटना हो गई, तो उसके लिए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप जिम्मेदार होते हैं और इमेज बनना और बिगड़ना उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। तो अब विजय माल्या को मान लीजिए मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं भगाया, लेकिन असर उनके ऊपर क्यों पड़ रहा है? ये वही क्वेश्चन का जवाब है जो आपने पूछा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में असर आपको पड़ेगा, चाहे कोई एक दुर्घटना हो जाए, चाहे कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, क्योंकि आप पावर में बैठे हो, आपने वादे किए हैं, आपने अपनी पोजीशनिंग की है कि हम बहुत सक्षम हैं चीजों को मैनेज करने में, गुड गवर्नेंस में, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक मैसेज जाता है जो बड़े लेटेंट वे में जाता है कि आप गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो, तो वो पब्लिक जो है उसको एज ए फेल्योर की तरह, विपक्षी पार्टियां उसको एज ए फेल्योर की तरह लेती हैं और आपका वोट बैंक खिसकना शुरू होता है। यही रीजन रहा कि कर्नाटक में 4-5 सीट ये नहीं ले पाए। तो ये है मामला, ये असर पड़ सकता है। देखिए सिंह साहब मैं आपको बताता हूँ, दोनों पार्टियां देखें क्या है समस्या का समाधान नहीं। मैं एक चीज बोलता हूँ, बीजेपी जो है आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। अगर विजय माल्या उनसे मिले, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने ऐसी कुछ आशंका जाहिर की कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का आदर्श और चरित्र कहाँ गया था? उन्होंने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इस आदमी के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है, आप इसको गिरफ्त में लो या इसके ऊपर निगाह रखो? 2.5 साल तक उन्होंने बोला नहीं। और रही बात जो आप लोग ये बोल रहे हैं ना, साहब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो विश्लेषक है मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जाके मोदी जी के गले लग जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, क्या मोदी जी को पुलिस बुला के उन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए? सर गले लगने पे, सर गले लगना और ये विजय माल्या का केस चल रहा था, दोनों डिफरेंस है सर। नहीं आदरणीय मोदी जी को बताया गया था सर, क्या बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल क्राइम है, एक फाइनेंशियल क्राइम करने वाला आदमी जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रिकॉशन के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मैं आपके गले पड़ जाऊंगा और फिर गले पड़ के मैं आपको आग मारूंगा, एक चीज और सुनिए, मैं बोलता हूँ चलिए आपकी सरकार सही है, हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सही है, लेकिन आपकी कमजोरी कहाँ है? आप सुनिए,
जो आदमी मर्डर करता है वो मैंने अक्यूज्ड होता है, लेकिन मर्डर करने में जो सहयोगी होता है, लापरवाही जो बरतता है, और अगर कोई आम आदमी अगर कानून को इन्फॉर्म नहीं करता है कि एक गलत आदमी यहाँ है, वो भी उतना अक्यूज्ड होता है। आप लोगों ने सहयोग किया, आपका सहयोग था, वो भाग गया, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। कांग्रेस भले ही जिम्मेदार है कि कांग्रेस ने लोन दिया, लेकिन आपने पता नहीं भागने में सहयोग किया कि नियम कानून को ढीला कर दिया कि आप लापरवाह हो गए, कि ये आपकी इनफिशिएंसी है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सर? लोगों को मंथली वो इनकम लॉजिकल बात करिए ना, उन लोगों का तो पूछना चाहिए था ना आपको। हाँ, हर चीज आप कांग्रेस पे बोल देंगे। मिश्रा जी बोल दीजिए। जी मिश्रा जी, अब बोलिए कि हम ये माने कि एक सरकार ने लोन दिया, दूसरी सरकार में आने के बाद वो लोग भाग गए, तो आखिर में ऐसे में बैंकों का और आम जनता का क्या? हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाक्य। सिंह साहब, मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करिए। एक छोटा सा वाक्य कहना चाहता हूँ। इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनकी बैलेंस शीट उठा के देखिए। क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनियों में काम किया है, टर्नओवर 40,000 करोड़ और लोन देखा तो 80,000 करोड़ का लोन है। तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि लोन लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? दूसरी चीज, जो हजारों करोड़ का जो बैंक लोन देती है वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। लोन को अप्रूव करने के लिए क्राइटेरिया होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार कोई भी हो, ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है, आप लोन की किस्त भी नहीं दे पा रहे हो, आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो, और फिर से आप 1,000 करोड़ का लोन या 100 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहे हो, पास हो जा रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, जरा 10,000 रुपए का आप पर्सनल लोन किसी बैंक में देखो, आपको पता चल जाएगा कितने नियम कानून है। इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में जो ये पैसे लेके भाग गए हैं, कोई इंप्लॉई अगर 15 दिन की एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर देना तो अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि हमने काम किया है। 10,000-5,000 रुपए लोन के लिए इतने कानून है कि आपको लोन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन ये है, वही चीज जो मैं सिस्टम पे बोलता हूँ कि ये पूरा एक नेक्सस है। सबको पता है कि पीछे जो आपने 10 लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट तक तो आप दे नहीं पा रहे हो, आगे से 100 करोड़ रुपए का लोन और मिल गया। अब वो होता क्या है उस लोन के पैसों का? उस लोन के पैसों का जहां लगाना है, बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रो कराना है, प्रॉफिट बनाना है और कंट्री को ग्रो कराना है, वो होता नहीं है। वो बंदर बांट होता है नेताओं और ऑफिसरों में बहुत जाता है। विजय माल्या, अब जिस तरीके से संसद के गैलरी में उनकी मुलाकात हुई जेटली पर, और जो 5-7 मिनट की बात हुई उसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर, उन्होंने ये कहा है कि भाई जेटली को बताकर वो विदेश भागा है, लंदन भागा है। बीजेपी इस पर सफाई दे रही है और वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये औपचारिक मुलाकात अनौपचारिक मुलाकात थी, और उन्होंने कहा कि भाई आपको जो सेटलमेंट करना है वो बैंकों से आप जाके करिए। इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, चूंकि 2019 का चुनाव और बहुत नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का। इस मुद्दे पर हम चर्चा, हमारे साथ कई खास मेहमान मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपने दोनों राजनीतिक पार्टियों को सुना, एक लोग कह रहे हैं कि भाई माल्या ने जो बयान दिया उसमें जेटली जी फंस गए और कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी इनडायरेक्ट रूप में थी इसको भगाने में, बीजेपी कह रही नहीं भाई औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इसके मायने हम आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके मायने हम क्या निकालें? अंजनी देखिए, ये जितने भी भगोड़े हैं, हाँ, ये देश हित का मुद्दा है और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। दुख की बात यह है कि यहाँ पे दोनों पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और इसके पीछे लॉजिक है। मैं आपको एक डाटा देता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में, आजादी से लेकर अब तक जो हमारे यहाँ इस तरीके के करप्शन हुए हैं, करप्शन की टोटल वैल्यू देखेंगे तो लगभग $20 trillion है। अमेरिका की, यूएसए की इकोनॉमी जो है 19 point something trillion है, और अपने देश का जो जीडीपी है वो 2.9 यानी $3 trillion है। तो $3 trillion ग्रोथ पूरे कंट्री ने किया, और घोटाले में जो पैसा गया वो 20 trillion यानी 7-8 गुना ज्यादा। अब देखिए, बात हम करेंगे एंडरसन के टाइम पे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि कांग्रेस और ये चोर मोसेरे भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, भोपाल गैस दुर्घटना जब हुई थी तो एंडरसन भी भाग गया था, और पक्का मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने ये सुना है, ये पढ़ा था कि SPCT जो है उनकी कार में बैठ के उसको हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया था। तो पहले मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस दोनों पार्टियां कैसे राजनीति कर रही हैं यहाँ पे। बीजेपी कांग्रेस को तो बोलती है एंडरसन के लिए, दूसरे और चीजों के लिए। अब इनके ऊपर जो सवाल आया है ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज आप और ये देखिए, राहुल गांधी का मैं भाषण सुन रहा था, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य ये है
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दे जी, सारा काम हो गया। दोनों पार्टियां इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही है कि जो कंट्री को लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। मैं ज्यादा खुश होता अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि जितनी भी पैसों की जो भरपाई करनी है उसकी रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो केवल उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे इस्तीफा दे देना उसी से सारी समस्या का समाधान हो गया। मैं एक चीज बीजेपी को बोलता हूँ, कटघरे में खड़ा करूंगा, मैं बोलता हूँ चलिए उसको लोन, किसी बीजेपी वाले लॉजिक देते हैं कि जी लोन कांग्रेस ने दिया, लोन किसी ने भी दिया, सरकार में आप हो ना, आपने प्रिवेंटिव मेथड लिया ना करेक्टिव मेथड में, मैं बोलता हूँ चलो गलती से भाग भी गया, 100 में 1-2 केस हो जाते हैं, करेक्टिव मेथड आप क्या ले रहे हैं, उसको आप इंग्लैंड से वापस क्यों नहीं ले आ पा रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो, कुड़की करो नीलामी करो। बीजेपी के संबित पात्रा जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, बात यहाँ एक समस्या को है, दोनों पार्टियों को सार्थक रूप में समस्या का समाधान चाहिए। अब संबित पात्रा जी ये बोल रहे हैं कि जी किंगफिशर एयरलाइन उनकी थी, अरे किंगफिशर एयरलाइन में किसी को फ्री में या कैसे भी मिलता है वो एक अलग मुद्दा है, वो भी गलत है, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप ये बोलिए कि भाई आप भले ही विपक्ष के हो हमारी मदद करो कि हम कैसे उसको वापस लाएं, कैसे जनता का लाखों करोड़ों रुपए की हम रिकवरी करें। यानी अगर कोई आदमी बीमार है तो दवाई कौन सी देनी चाहिए, डायग्नोसिस क्या है, उस पर कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, सिर्फ जी तुमने चोरी की है तो हमने भी चोरी की है, इसलिए न तुम गलत ना हम गलत। और हमारे साथ एके मिश्रा जी, राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिजवान जी आपके पास आएंगे, और जिस तरीके से एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है और राहुल गांधी ने विपक्ष ने कई सवाल किए हैं कि अगर विजय माल्या से वित्त मंत्री जी की मुलाकात हुई थी उसके बाद भी सदन में चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, उस वक्त आपने चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि अब ये आपके गले की फांस बन गया है, आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अगर राह चलते आप किसी का हाथ पकड़कर किसी से कुछ बात करेंगे, पहली बात तो वो बात को पूरी तरीके से समझ ले और उस पर कोई निर्णायक जवाब दे दे, ये संभव नहीं है। संसद के गलियारे में जब संसद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से जाते थे, राज्यसभा के सदस्य थे, है ना, उस हैसियत से वो उस समय पे अरुण जेटली जी वहां मिले, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनकी कोई मंशा थी या किसी मंशा से हुआ या कोई अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ना तो वो उनके कार्यालय गए और ना ही आवास पर। अगर वो समय लेके मिलते और समस्या को मूल रूप से रखते, शायद परिस्थितियां ये ना होती, अरुण जेटली जी उसमें कुछ ना कुछ रखते, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से चलते चलते उनसे सवाल किया उसी प्रकार से उन्होंने जवाब दिया कि आपका और बैंक का मामला है, आप जाके बैंक से निपटाइए। तो इसमें मैं नहीं मानता अरुण जेटली जी का, वित्त मंत्री जी का कहीं से कहीं तक कोई दोष बनता है। ठीक है, जितेंद्र चौधरी जी भाई वो भी राज्यसभा के सांसद थे और अपने वित्त मंत्री से अगर चलते चलते कोई बात करने की कोशिश की, तो इसको लेकर आप लोग इतना हो हुआ क्यों मचा रहे हैं? देखिए अंजनी जी मैं बता दूं। हाँ बताइए। पार्लियामेंट को सड़क नहीं है, कोई घर नहीं है, वहां पे देश के कानून बनते लिखे जाते हैं। नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ जितेंद्र जी नहीं पहले आप मुझे ये बताइए जितेंद्र जी, पहले आप ये बताइए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात रखी है क्या? नहीं, विजय माल्या ने ये बात पार्लियामेंट के अंदर रखी है क्या? रिजवान जी एक एक करके बात करते हैं, पहले राउंड में कोई टोका दाखिल नहीं। हाँ नहीं आप बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए अभी आप सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा जी। बोलिए साहब तिनके कहा है वो जवाब ना दूंगा। रिजवान जी ये अच्छी बहस नहीं है, पहले राउंड में आप सुन लीजिए, आप पढ़े थोड़ा समझ लीजिए हमारी बात। आप अपनी बात रखिए, अब इनकी बात है रखिए जी। पार्लियामेंट में जब बात हुई है 5-7 मिनट और उनको ये पता चल गया, वो कह रहे हैं देखिए आप, मैं कह रहा हूँ मेरी आपत्ति आपके शब्दों के उदाहरण से है। यदि उन्होंने पार्लियामेंट में बात रखी है तो पार्लियामेंट होगा कि आप जो है अपने विपक्षों को बोलने देते हैं। सुनिए, मंत्री जी कोई आम आदमी नहीं थे उस समय, मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो पूरे देश के फाइनेंस को देखते हैं। हाँ, कि जब बात पार्लियामेंट में नहीं रखी गई, इस बात को आप ये क्लियर करें, उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी उस समय उनको तुरंत वहीं अरेस्ट कराया जाता और उनको जेल भेजा जाता। क्यों?
क्यों उनको वहां अरेस्ट कराया था? वो राज्यसभा के मेंबर थे और उस बैठक में शामिल होने आए थे, उसमें आपके भी नेता थे, तो आपके नेताओं ने क्यों नहीं मांग की गिरफ्तार कराने की? देखो क्यों, ये कैसा सवाल आपका है? सुनिए, उनपे बकाया था, उनको जाना नहीं था, आप जेल भेज देंगे राज्यसभा से? बिल्कुल, आपने क्यों नहीं मांग की उस समय? सारे आपके नेता थे, मंत्री थे, सब लोग जो भी आपके बड़े नेता थे वहां पे थे, पता था। अरेस्ट जो उनके सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं, जो उनके अरेस्ट वारंट थे उनको भी उन्होंने हल्का किया गया, जो जिससे कि कानून को हल्का हो जाए और ये देश से बाहर भागने में इनको फायदा मिल जाए। हाँ। तो इसमें कोई गड़बड़ है, ऐसा है तो है नहीं, दाल में कुछ ना कुछ काला है। और यदि ये कह रहे हैं तो वहां पे वीडियो है, सब है, जो जैसे हमारे उच्च नेताओं ने कहा है जी, जी। वहां पे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, उस वीडियो को बाहर निकाल दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जेटली जी कह रहे हैं कि हाँ हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये अनौपचारिक मुलाकात थी, अनौपचारिक मुलाकात है पार्लियामेंट में? कैसे अनौपचारिक मुलाकात? अरे पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट गैलरी में थोड़ा रिसर्च करके आइए सर। संसद की गैलरी में चलते चलते बात हुई थी, आप क्या पढ़ के आया करिए? नहीं, बिल्कुल पढ़ के आए हम। और मैं आपको बता दूं, जो भगा है देश का चोर, जो भगोड़ा भगा है, हाँ, वो खुद कह रहा है इस बात को, दूसरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उनसे मिला, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा भाई, वो तो जेटली जी, वो तो जेटली भी बोले कि हाँ मैंने मुलाकात की उनसे, मुलाकात की, प्रस्ताव की बात छुपाई उन्होंने, प्रस्ताव उन्होंने कहा, उसने कहा है कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा बैंक से जाके बात करो। हाँ, बैंक से जाके बात करो, परंतु उन्होंने ये भी बताया था हम दूसरे दिन लंदन जाने वाले हैं, वो चले गए, भाग गए यहाँ से, चले गए रेड कॉर्नर नोटिस फलाना अधिकारी, इनका क्या मतलब रह गया? हाँ, ये पॉइंट आपका ठीक है, कोई मतलब? चलिए ठीक है, अब एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपने दोनों राजनीतिक पार्टियों को सुना, एक लोग कह रहे हैं कि भाई माल्या ने जो बयान दिया उसमें जेटली जी फंस गए और कहीं कहीं इनकी भागीदारी इनडायरेक्ट रूप में थी इसको भगाने में, बीजेपी करे नहीं भाई, औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इसके मायने हम आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके मायने हम क्या निकालें? अंजनी देखिए, ये जितने भी भगोड़े हैं, हाँ, ये देश हित का मुद्दा है और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। दुख की बात यह है कि यहाँ पे दोनों पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हाँ। और इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको एक डाटा देता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में, आजादी से लेकर अब तक जो हमारे यहाँ इस तरीके के करप्शन हुए हैं, करप्शन की टोटल वैल्यू देखेंगे तो लगभग $20 trillion है। अमेरिका की यूएसए की इकोनॉमी जो है 19 point something trillion है, और अपने देश का जो जीडीपी है वो 2.9 यानी $3 trillion है। तो $3 trillion ग्रोथ पूरे कंट्री ने किया और घोटाले में जो पैसा गया वो 20 trillion यानी 7-8 गुना ज्यादा। अब देखिए, बात हम करेंगे एंडरसन के टाइम पे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि कांग्रेस और ये चोर मोसेरे भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, भोपाल गैस दुर्घटना जब हुई थी तो एंडरसन भी भाग गया था, और पक्का मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने ये सुना है, ये पढ़ा था कि SPCD जो है उनकी कार में बैठ के उसको हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया था। तो पहले मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस दोनों पार्टियां कैसे राजनीति कर रही हैं यहाँ पे। बीजेपी कांग्रेस को तो बोलती है एंडरसन के लिए, दूसरे और चीजों के लिए। अब इनके ऊपर जो सवाल आया है ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज आप और ये देखिए, राहुल गांधी का मैं भाषण सुन रहा था, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दे जी, सारा काम हो गया। दोनों पार्टियां इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही है कि जो कंट्री को लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। मैं ज्यादा खुश होता अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि जितनी भी पैसों की जो भरपाई करनी है उसकी रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो केवल उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे इस्तीफा दे देना उसी से सारी समस्या का समाधान हो गया। मैं एक चीज बीजेपी को बोलता हूँ, कटघरे में खड़ा करूंगा, मैं बोलता हूँ चलिए उसको लोन, किसी बीजेपी वाले लॉजिक देते हैं कि जी लोन कांग्रेस ने दिया, लोन किसी ने भी दिया, सरकार में आप हो ना, आपने प्रिवेंटिव मेथड लिया ना करेक्टिव मेथड में, मैं बोलता हूँ चलो गलती से भाग भी गया, 100 में 1-2 केस हो जाते हैं, करेक्टिव मेथड आप क्या ले रहे हैं, उसको आप इंग्लैंड से वापस क्यों नहीं ले आ पा रहे हैं? इंटरनेशनल एजेंसीज इतने पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो? कुड़की करो, नीलामी करो। बीजेपी के संबित पात्रा जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना। बात यहाँ एक समस्या को है, दोनों पार्टियों को सार्थक रूप में समस्या का समाधान चाहिए। अब संबित पात्रा जी ये बोल रहे हैं कि जी किंगफिशर एयरलाइन उनकी थी, अरे किंगफिशर एयरलाइन में किसी को फ्री में या कैसे भी मिलता है वो एक अलग मुद्दा है, वो भी गलत है, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप ये बोलिए कि भाई आप भले ही विपक्ष के हो हमारी मदद करो कि हम कैसे उसको वापस लाएं, कैसे जनता का लाखों करोड़ों रुपए की हम रिकवरी करें। यानी अगर कोई आदमी बीमार है तो दवाई कौन सी देनी चाहिए, डायग्नोसिस क्या है, उस पर कोई पार्टी बात नहीं कर रही है,
सिर्फ जी तुमने चोरी की है तो हमने भी चोरी की है, इसलिए ना तुम गलत ना हम गलत। होता हो क्या रहा है कि 2019 में चुनाव है, कांग्रेस को लगता है कि अगर जैसे अभी उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया, राफेल की क्या डील हुई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि भाई इतने में डील हो गई। अब वो एक और लगा रहे हैं कि भाई जो भगोड़े हैं उनको बीजेपी का शह मिल रहा है, तो कहीं इनके इसके जरिए वो लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। रिजवान खान साहब, जैसा कि आपने मिश्रा जी को सुना, अगर आप भी दूध के धुले होते तो विजय माल्या जो बात बोल रहा है और उसको वापस लाने के लिए सरकार आपकी क्या कर रही है? देखिए, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं, वो विदेश भाग गया, और विदेश भागने में जरूरी नहीं है, इसमें जांच एजेंसियां काम कर रही है, और जब दूध का दूध पानी का पानी होगा तो इसमें राहुल गांधी जी की भूमिका विजय माल्या के साथ क्या नहीं, रही एंडरसन भाग गया था, आज तक तो हुआ नहीं अमेरिका मैं वही कह रहा हूँ मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। लचीला जो सिस्टम है, मैं सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की सरकार में सब कुछ हम बदल देंगे, जादू की छड़ी नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं परिवर्तन होगा। हम दाऊद इब्राहिम को भी देश में लाने की बात करते हैं, इन्होंने तो कभी ये बात उठाई नहीं, कांग्रेस के लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है। हम कम से कम ये बात तो कर रहे हैं कि पकड़ कर लाएंगे। आपकी हिम्मत इतनी है, सब तीनों मोदी भाग गए पैसे लेके 4 साल। अरे साहब, भगाने वाले कौन है? पैसा दिया किसने? आप अपने गिरेवान में जाके एक उंगली मेरी तरफ उठाएंगे, 3 उंगलियां आपकी तरफ। कांग्रेस बराबर की भागीदार है। ठीक है, थोड़ा सा माल्या पे और थोड़ा सा हम टिप्पणी कर ले और सवाल लेते हैं माल्या साहब के बारे में। आपको बताएं कि ये 2004 में ये उद्योग समिति के मेंबर बने थे, और 2005 में यूपीए की सरकार है, इसके बाद इनका कद और बढ़ता चला गया, और इसके बाद उन्होंने अपनी एयरलाइंस कंपनी खोल रखी। और आप खास बात देखिए, 2014 में जब इनकी सरकार जाने की हुई वो कंपनी डूब गई। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त भी, जैसा कि रघुराम राजन की रिपोर्ट भी आई थी कि 2006 से 2008 के बीच में ऐसे लोन दिए गए ऐसे लोगों को जिनकी जांच नहीं की गई कि भाई ये पैसा डूब जाएगा क्या होगा, तो चौधरी जी अगर आप उसके ऊपर आरोप लगाए, आरोप तो आपके ऊपर भी लगेगा कि ऐसे लोगों को लोन क्यों दिया गया जब उसकी जो है पता था कि भाई उसकी हैसियत नहीं है लोन भरने की, तो फिर ऐसे लोगों को लोन क्यों दिया गया? और अब चूंकि राजनीति करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है कि उसने जेटली के बारे में ये बोला, जेटली से मुलाकात की थी। जनाब देखो, हाँ वो ठीक है, राज्यसभा सांसद थे। हाँ। मैं आपको ये बता दूं, जिस समय वो बिजनेस कर रहे थे उस समय वो लोन भी लिया था, वापस भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। परंतु बिजनेस देखो, प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी डूब भी जाता है। हाँ। डूबने का कारण से जो उन्होंने अब ये बचाने में आ गए, एयरलाइंस घाटे में थी, इसके बाद एयरलाइंस घाटे में थी, आपके प्रधानमंत्री की चिट्ठी पे उनको जो सौगंध दी गई थी। नहीं, मैं बताता हूं जी सर, आरसरार एक एक करके आ गए आपके पास आएंगे। आप मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है, हाँ, मेहुल चौकसी जो भागा, हाँ, नीरव मोदी जो भागा, हाँ, मेहुल चौकसी ने जब वहाँ मेंबर वहाँ पर नागरिकता ली, हाँ, तो इसी समय ये जो सरकार प्रेजेंट बैठी जो कितने संवेदनशील लग रहे हैं हमको, ये बताइए इन्होंने उन्होंने भारत सरकार से पूछा अब ये नागरिकता लेना चाह रहा है, आपका कोई विरोध तो नहीं है? इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोन देते हो वो भगाते हैं ना? नहीं, सरकार में लोन दिया गया, आपके कार्यकाल में लोन दिया गया, इनके कार्यकाल में लोग भाग जा रहे हैं, ऐसे में आम जनता बैंक का क्या होगा? देखो क्या इसका मतलब नहीं आ जाए, लोन लेके भगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ। अच्छा, इस समय जो प्रेजेंट सरकार ने लोन ले लिया, आपने उनको लोन दिया, आपने आपके राज में उनको लोन दिया गया जिनकी हैसियत 1000 करोड़ की थी, उनको दिया गया 10000 करोड़ रुपया। नहीं नहीं, और ऐसा कुछ नहीं। अरे रघुराम राजन की रिपोर्ट है सर, पढ़ा करिए जी। मिश्रा जी अब बोलिए कि हम ये माने कि एक सरकार ने लोन दिया, दूसरी सरकार में आने के बाद वो लोग भाग गए, तो आखिर में ऐसे में बैंकों का और आम जनता का क्या? हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक छोटा सा वाक्य। अजीत जी, मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करिए, एक छोटा सा वाक्य। इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनकी बैलेंस शीट उठा के देखिए। क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनियों में काम किया है, टर्नओवर 40,000 करोड़ और लोन देखा तो 80,000 करोड़ का लोन है। तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि लोन लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? दूसरी चीज,
जो हजारों करोड़ का जो बैंक लोन देती है वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लोन को अप्रूव करने के लिए क्राइटेरिया होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार कोई भी हो, ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है, आप लोन की किस्त भी नहीं दे पा रहे हो, आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो, और फिर से आप 1000 करोड़ का लोन या 100 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहे हो, पास हो जा रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, जरा 10,000 रुपए का आप पर्सनल लोन किसी बैंक में देखो, आपको पता चल जाएगा कितने नियम कानून है। इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में जो ये पैसे लेके भाग गए हैं, कोई इंप्लॉई अगर 15 दिन की एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर देना तो अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि हमने काम किया है। 10,000-5,000 रुपए लोन के लिए इतने कानून है कि आपको लोन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन ये है, वही चीज जो मैं सिस्टम पे बोलता हूँ कि ये पूरा एक नेक्सस है, सबको पता है कि पीछे जो आपने 10 लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट तक तो आप दे नहीं पा रहे हो, आगे से 100 करोड़ रुपए का लोन और मिल गया। अब वो होता क्या है उस लोन के पैसों का, उस लोन के पैसों का जहां लगाना है, बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रो कराना है, प्रॉफिट बनाना है और कंट्री को ग्रो कराना है, वो होता नहीं है, वो बंदर बांट होता है नेताओं और ऑफिसरों में। ये 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 आज के मुद्दे भी याद है, चूंकि इसलिए हम इस सवाल को पूछे थे हम कि भाई 2006 और 2008 अभी परसों की रिपोर्ट थी रघुराम राजन की, उसमें ये बातें आई थी। अब रिजवान खान साहब सवाल ये उठता है जो राहुल गांधी ने सवाल किया था और पीएल पुनिया साहब ने भी सवाल किया कि भाई जब विजय माल्या पर 2016 में बहस हो रही थी और प्रमोद तिवारी इस पर बहस कर रहे थे, पूरी बहस के दौरान वित्त मंत्री जी भी वहां पर बैठे थे, उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई माल्या हमारे पास आया था, उसने सेटलमेंट की बात कही थी। अगर उस वक्त भी चर्चा में बात सामने आती तो आगे कुछ बात बढ़ती और हो सकता है कि हम उसको बाहर जाने से रोक सकते थे, लेकिन पूरी चर्चा के दौरान आज 2.5 साल हो गए कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, तो आपके मंशा पर सवाल तो उठेंगे भाई। नहीं देखिए, माल्या जी का, माल्या का ये पहला मामला नहीं था, है ना, वो उस प्रकार के बैंकों के साथ बल्फ करते आ रहे थे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया, जब 2016 में लोकसभा में बहस हो रही थी, सुन लीजिए, और उसमें वित्त मंत्री भी थे सब, हाँ सब, अगर प्रमोद तिवारी ने ये सवाल उठाया था, एक आदमी आपसे मुलाकात हुई थी तो उसको चर्चा बताना चाहिए था कि हाँ भाई आया था, हमारे पास प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमने कहा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए भागे क्यों हैं, अगर ये भागेंगे नहीं तो इनके आकाओं के खुलासे हो जाएंगे और आका वही निकलेंगे जिन्होंने ने लोन दिया है और लोन दे के हिस्सेदारी बांटी है, मोदी जी का शिकंजा इन तक पहुंचना दिया कैसे भागेंगे? सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, इनके आका जो पहले आका ठीक है, अगर आप इनको स्टेशन पे हावी है, अगर इनको भागने नहीं देते मशीनी का आका भी क्यों खुल जाती, अकेले मोदी क्या कर लेंगे? अरे मोदी छोड़ो, पूरा प्रशासन आपके पास है, स्वतंत्र आ गया है सर, मोदी जी ने हमारे बोला है मैं देश बदल दूंगा। आप ये समझिए, आप ये समझिए पहले, दूसरी बात मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, विजय माल्या कैसे भाग गए? अगर अगर आपको लगता था कि आकाओं के नाम खुल जाते तो आपको रोकना चाहिए था, आकाओं के नाम पता करते आप। अरे साहब कानून के तहत इतने हम उन पे हाथ डालने गए, इतने इन्होंने उन्हें उन्हें निकाल लिया यहाँ से। किसने निकाल लिया? अरे साहब जिनके जिनके साथ इन्होंने लोन लेके हिस्सेदारी बांटी। ऐसे बेहूदी बात कर रहे हैं जवान जी, सर भाषा पे बहानाबाजी आप ढूंढ रहे, दलदल की बातें कर रहे हैं। अरे अरे मैं कैसे बहानाबाजी ढूंढ रहा हूँ, अगर अगर आपके आपके लोगों को कोई आपके खिलाफ नहीं हुआ, अगर कोई आपके खिलाफ नहीं हुआ, नहीं 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 सर पता चल गया, एक्सपोज तो राहुल गांधी होने वाले थे, एक्सपोज तो जो है आप कोई गुनाह नहीं है, एक्सपोज तो आप दो उसको जो डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर बता रहा हूँ, सही है मैं बता रहा हूँ, डिफॉल्टर का आप लोग कर रहे हैं, सीना चोरी और चोरी, कांग्रेस इस चीज में माहिर है, वो तथ्यों को रखने नहीं देना चाहती। बिल्कुल आप पहले आपने चोरी किया, फिर उसके बाद आपने भगा दिया, आप बिल्कुल भगाने में माहिर हैं साहब। अगर हम पकड़ लेते, अगर हम पकड़ लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आपने भगाया रिजवान साहब, आपने भगाया रिजवान साहब, रिजवान साहब मान लीजिए ये कांग्रेस के रिजवान साहब, ये कांग्रेस के वो वरिष्ठ पत्रकार ठीक है, ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपके नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो दो सवाल उठाए हैं कि 24 अक्टूबर 2015 को माल्या खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, ब्लॉक से रिपोर्ट में शिफ्ट किया गया और जिसकी वजह से विजय माल्या 54 लगेज लेके भागा था, अगर नियत ठीक होती तो कैसे भाग गया था? और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि सेंट्रल हॉल में वित्त मंत्री से मुलाकात हुई थी और वो बताया था कि लंदन जा रहा हूं, ये आपके नेता का है सुब्रमण्यम स्वामी जो बड़े क्रांतिकारी नेता है आपके, उनका यह बयान है, उन्होंने सवाल उठाया है, आप बताइए। देखिए मैं कहना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत ही काबिल वकील हैं,
और यदि वो वित्त मंत्री होते शायद परिस्थितियां दूसरी होती, किंतु आदरणीय अरुण जेटली जी की क्षमता पे और उनके कार्यशैली पे कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता, उनकी मंशा पे कोई सवाल या निशान नहीं लग सकता। वो देश हित में बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। देखिए साहब, पूर्वाग्रह सब में होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी रही है। आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए, आदरणीय अरुण जेटली जी उतने क्षमतावान और उतने बिल्कुल निर्भीक और निडर हैं, यदि तथ्य उनके समझ में आ गया होता उस समय, एक क्षण की मुलाकात में आप कॉरिडोर में किसी से मिल रहे हैं, साहब मेरा बैंकों के साथ कोई लफड़ा है, मैं वो आपसे बात करना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे क्यों बात करोगे, आप बैंक से जाके बात करिए, जिसके साथ आपका मामला चल रहा है उससे बात करिए। अगर बैंक आएगा, वित्त मंत्री जी से देखिए ये मामला है, तो हो सकता था वित्त मंत्री जी की मध्यस्थता होती, किंतु बैंक वहां आया नहीं। देखिए सिंह साहब, मैं आपको सिंह साहब मैं आपको बताता हूं, दोनों पार्टियां देखिए क्या है, समस्या का समाधान नहीं। मैं एक चीज बोलता हूं, बीजेपी जो है आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। अगर विजय माल्या उनसे मिले, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने ऐसी कुछ आशंका जाहिर की कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का आदर्श और चरित्र कहां गया था? उन्होंने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इस आदमी के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है, आप इसको गिरफ्त में लो या इसके ऊपर निगाह रखो? 2.5 साल तक उन्होंने बोला नहीं। और रही बात जो आप लोग ये बोल रहे हैं ना, साहब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो विश्लेषक हैं मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जाके मोदी जी के गले लग जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, क्या मोदी जी को पुलिस बुला के उन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए? सर, गले लगने पे, सर गले लगना और ये विजय माल्या का केस चल रहा था, दोनों डिफरेंस है सर। नहीं, आदरणीय मोदी जी को बताया गया था सर, क्या बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल क्राइम है, एक फाइनेंशियल क्राइम करने वाला आदमी जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रिकॉशन के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मैं आपके गले पड़ जाऊंगा और फिर गले पड़ के मैं आपको आग मारूंगा, एक चीज और सुनिए, मैं बोलता हूँ, चलिए आपकी सरकार सही है, हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सही है, लेकिन आपकी कमजोरी कहाँ है? आप सुनिए, जो आदमी मर्डर करता है वो मेन एक्यूज्ड होता है, लेकिन मर्डर करने में जो सहयोगी होता है, लापरवाही जो बरतता है, और अगर कोई आम आदमी अगर कानून को इन्फॉर्म नहीं करता है कि एक गलत आदमी यहाँ है, वो भी उतना एक्यूज्ड होता है। आप लोगों ने सहयोग किया, आपका सहयोग था, वो भाग गया, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, कांग्रेस भले ही जिम्मेदार है कि कांग्रेस ने लोन दिया, लेकिन आपने पता नहीं भागने में सहयोग किया कि नियम कानून को ढीला कर दिया कि आप लापरवाह हो गए, कि ये आपकी इनफिशियंसी है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो? सर को मंथली वो इनका लॉजिकल बात करिए ना, उन लोगों का तो पूछना चाहिए था ना आपको। हाँ, हर चीज आप कांग्रेस पे बोल देते हैं। मिश्रा जी बोल रहे थे, जी बोलिए रिजवान साहब। मेरा ये कहना है कि यदि उन्होंने तथ्यों को सही तरीके से स्पष्ट किया होता और वो आदरणीय अरुण जेटली जी के सामने इस बात को ऐसे रखते कि साहब मैं देश छोड़ के भागने वाला हूँ, या तो मेरा सेटलमेंट करा दो, साहब मैं एक गबन करने वाला हूँ, या तो सेटलमेंट करा दो, है ना, तो हो सकता था आदरणीय अरुण जेटली का रिएक्शन दूसरा होता, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, किंतु वो एक आदमी कह रहा साहब मेरी कोई समस्या है जी। रिजवान साहब, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे, दरअसल भारत सरकार चाहती है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण भारत कराया जाए, और इसी बात को लेकर वहां पर लंदन की कोर्ट में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बहस चल रही थी, और उसी दौरान उसने एक शिगोफा छोड़ा कि भाई हम तो वित्त मंत्री जी से मुलाकात किए थे और उनसे कहा था कि सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन इसके बाद से फिर भारत की राजनीति में हंगामा हो गया। प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार क्या कुछ कोशिश कर रही है, और विजय माल्या के इस बयान के बाद राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएंगे, 2019 में इस पर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि भाई एक गैलरी में एक मुलाकात होती है, और अगला बंदा जो आपने देखा होगा कि अपने पूरे कार्यकाल में विजय माल्या मुश्किल से 10 या 20 दिन आया होगा, और उस दिन भी आए थे, सत्र चल रहा था, उसके बाद बाहर आया, उन्होंने बात रखी कि भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप जाओ बैंक से बात करो, तो आप इसको उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं कि भाई वो भगाने में इनकी मदद, इससे ये इसको इसका कहां से मजबूती आपको मिलती है कि उन्होंने भगा दिया, इनकी मदद की? देखो, जो उस समय की सरकार होती है, जब उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो मॉनिटरिंग करते हैं सारे फाइनेंस की, तो उनको पता था कि एक प्रपोजल रख रहे हैं, उनको पता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है,
तो उनकी ड्यूटी बनती थी शासन प्रशासन को, शासन की जिम्मेदारी बनती है प्रशासन को सूचना देना। अब ये आदमी इस तरीके की बातें कर रहा है और उन्होंने पार्लियामेंट में सफाई भी दी। विजय माल्या ने कहा कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो ये गलत बात थी। हाँ चल ठीक सर, ये गलत बात, सेटलमेंट करना मैं गलत बात नहीं कह रहा। हाँ। सेटलमेंट करने का मतलब पैसे देना चाह रहा था और वो कहना चाह रहा था। सेटलमेंट का मतलब दूसरा होता है सर, फाइनेंशियल टर्म में। जी आर 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 मिश्रा जी आपको सर मेरी बात सुनिए। उसके बाद वो ये भी कहता है उनसे कि मैं विदेश जाने वाला हूँ, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम ईडी को सीबीआई को माल्या ने भी नहीं कहा कि मैं विदेश जाने वाला हूँ। नहीं वो उन्होंने बताया, उनको पता थी कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, उन्होंने बयान में दिया है। किसको पता था? मीडिया में कल बयान दिया उन्होंने, बताया था उन्होंने, उन्होंने जितेंद्र चौधरी जी को बताया था। अच्छा। राहुल गांधी जी को बताया था, अभी सोनिया गांधी जी को बताया था वो विदेश जाने वाले हैं। अब ये बात पीएल पुनिया को भी पता थी, पीएल पुनिया भी उसी राज्यसभा में। गांधी जी देश से नहीं भागे पैसे लेके, ये मोदी जी तीन मोदी भाग गए चार साल में, ध्यान रखो। ये मोदी भागे चार साल के अंदर, कोई गांधी नहीं भागा पैसे लेके अंदर से, डील की उनके साथ। और आपके दाल में काला है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है उस डील को छुपाने के लिए। अनर्गल बात कर रहे हैं आप, कैसे करते हो? हम बोले भी नहीं, छुपा सकता हूँ जी, कैसे डील हुई? नहीं नहीं क्या डील, राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या डील हुई? देश जानता है कस्टम है, क्या स्पष्ट बोला जानता है, कमेंट पहले देखो कोई आदमी अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहा है, विदेश में जाकर जिसका नाम ले रहा है, अगर मेरे साथ ये मैंने ये लोगों से बात करके आया हूँ, तो उसमें क्या हमने देश में आके क्यों नहीं भर सकता? आप बुलाइए सर, इसमें आपका तो साझेदार रहा है ना, आपका तो पार्टनर रहा है ना, बुलाइए देश में आके रखे अपनी बात, जो कह रहे हैं रखे झूठे। और सुनिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है, हमने तो उसके लिए प्रत्यापन संधि के तहत हमने अर्जी लगाई, आपने रिजवान साहब लेकिन देखिए अर्जी लगाई दाऊद रिजवान साहब आप तो फंस गए, चूंकि आपके ही बड़े नेता ने आरोप लगा दिया, हो सकता है उनके अपने कुछ पर्सनल हो, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उसमें कम से कम बैकफुट तो बीजेपी है, क्योंकि स्वामी साहब ने जो बोला है और उसी बयान के आधार पर कांग्रेस को और बल मिल गया और आज कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर इतने जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, संयम से आप सुने, संयम से आप सुन ले। देखिए वो देश से भागा, ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेश में अर्जी लगाई प्रत्यर्पण के लिए। हमारी नियत भागने के बाद में, हम उसे देश में लाना चाहते हैं। पहले साहब पहले सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल संयम से सुन लीजिए, हम उसे देश में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को देश से भगाया। और ये इन्होंने कहां संधि लगाई, इन्होंने कहां लगाई, जो जिसने देश को सीधे सीधे चैलेंज किया, इन्होंने कहा प्रत्यर्पण के लिए अर्जी लगाई कांग्रेस ने, ये आज तक संरक्षित करती आ रही है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित हम उसे देश में लेके आएंगे, भगड़े को सजा मिलेगी, जो गुनाहगार है। सवाल ये उठता है ना, हम उसको भागने क्यों देते हैं, ऐसे लोगों को हम भागने क्यों देते? मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया, ये पिछले तीन चार साल में तीन चार ऐसे जो 9,000-10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का गमन करके भाग जाते हैं, और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग अगर 1 लाख रुपए का लोन लेना होता है तो नागरिक बंदी है। आप इस बात को भी देखिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी गंभीरता से समझिए। हाँ, मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ। जी जी, जिन्होंने उन्हें 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ दिया, ठीक है, उन्हें ये भय हो गया है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप समझ लीजिए, उन्हें ये भय हो गया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अब इन पे हाथ डाला जाएगा, कार्रवाई होगी, ये पकड़े जाएंगे, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राहुल गांधी जी का नाम खुलेगा, सोनिया गांधी जी का नाम खुलेगा। ठीक है, अगर 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 ये भय होता तो तीन तीन भगोड़े, तीन तीन बैंकरप्ट जो लोग भाग नहीं पाते, ठीक है, एक भाग गया, एक भाग गया विजय माल्या भाग गया, ठीक है, वहां पे कुछ चूक हो गई, नीरव मोदी भी भाग जाते हैं, मिल चौकसी भी भाग जाते हैं, और ये सब भगोड़े विदेश में बैठकर भारत की राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं। मिश्रा जी, ये जितने भगोड़े हैं,
अभी हमने चाहे ललित मोदी को देखा, एक मिनट सुनिए सर, आपका टर्म हो गया सर, आपका टर्म हो गया, विपक्ष कहता है वो आपका टर्म हो गया, आपका टर्म हो गया, मिश्रा जी खिला रहे हैं वो नेता नहीं है। मिश्रा जी आपसे ये समझना चाहेंगे, चाहे ललित मोदी को भाग गया वो वहां से विदेश में बैठकर भारतीय राजनीति का मजाक उड़ाता है कि इन दोनों पार्टियों को लड़वाता है, अब वही काम विजय माल्या कर रहा है, एक बयान देकर दोनों पार्टियों को लड़वा रहा है, हमारी राजनीति में ऐसा क्या लूज फॉर, जो ऐसे भगोड़े विदेश में बैठकर जो अय्याशी करते हैं और भारतीय राजनीति को नेताओं को आपस में लड़वा रहे हैं। नहीं देखिए, उनका मेन जो जितने भी भगोड़े हैं उनका तो पर्पज ये है कैसे भी प्रेशर बना करके हम अपना काम निकालें, अपने आप को सेफ करें। कमी यहाँ पे क्या है, कमी यहाँ पे हमारे राजनीति जो राजनेता हैं उनकी है और हमारे सिस्टम की है। इसीलिए बात मैं कर रहा था, भोपाल जो त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड का जो MD था एंडरसन जब भागा था, इतने बड़े सिस्टम होते हुए, इतनी बड़ी पुलिस चौकसी होते हुए भाग गया, आज विजय माल्या भाग गए, ये भाग गए, वो भाग गए। देखिए एक टर्म मैंने यूज किया था, सेटलमेंट, ये सारे नेता लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट, इतना लाइटली बोल रहे हैं, एक आदमी मर्डर करके आए, एक आदमी एक्यूज्ड है 9,000 करोड़ रुपए और आके संसद में बोल रहा है कि पॉइंट है सेटलमेंट, सेटलमेंट का सर आप लोगों ने मजाक बना दिया है, सेटलमेंट का एक क्रिमिनल के साथ, एक भगोड़े, एक ऐसे आदमी के साथ आप सेटलमेंट करोगे, जी 9,000 करोड़ लिया है, चलो आप 2,000 आप ले लो, 2,000 मैं दे देता हूं, बाकी सारा लोन जो है वे माफ कर दो, क्या मजाक वाली बात है सर आप लोग कर रहे हो, ऐसे सिस्टम काम करता है। अच्छा दूसरी चीज आप ये देखिए, मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैकेनिज्म है, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आपने भगा दिया तो आपके सिस्टम का, आपके मैनेजमेंट का ये फेल्योर है, आप क्यों नहीं मानते हो इस चीज को, चाहे कोई भी पार्टी हो, एंडरसन भागा तो उस वक्त के गवर्नमेंट का ये फेल्योर है, इफिशियंस, चाहे वो विलफुल हुआ हो चाहे नेग्लेक्टेड हुआ हो, 100% इफिशियंसी नहीं होती है, लगातार आपके टाइम पे बीजेपी के टाइम पे चार चार लोग भाग गए, इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपने रखा है कि एक्यूज्ड आके अपराधी आकर के बोल रहा है मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, 2.5 साल तक आपने बोला नहीं, और देशभक्त और ये सारी चीजें सारे नेता लोग बनते हैं, उसी वक्त आपने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं आपने एजेंसियों को इन्फॉर्म किया। ये पॉइंट आपका है, अब हम थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सारे आरोप प्रत्यारोप तो लग गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस बहुत दिन से मुद्दे की तलाश में थी, एक मुद्दा मिला उनको राफेल पे वो घेर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, अब एक मुद्दा उनको माल्या के बयान से ये लग गया कि नहीं भाई जो ऐसे भगोड़े हैं, जो ऐसे जो बैंक फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको जो है कहीं कहीं सरकार का समर्थन मिला है। 2019 में इन मामलों का कितना असर पड़ेगा, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। रिजवान साहब आपसे समझने की कोशिश करते हैं, दो बड़े मुद्दे कांग्रेस उठा रही, राफेल का, दूसरा अब ये विजय माल्या का जो बयान आया है, ये 2019 के नजरिए से देखें तो बीजेपी पर कितना भारी पड़ने वाला है और उसके लिए आपकी रणनीति क्या है, कैसे आप इससे निपटेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये मुद्दे उठा रही है ये निराधार मुद्दे हैं और इन मुद्दों में कहीं ना कहीं जो भी सच्चाई है वो देश भी जानता है और उसके कोई नहीं जानता, आप फंस गए हैं सर, ऐसा नहीं है, देश भी जानता है और देश की जनता भी जानती है, और यदि देश की जनता नहीं जान रही होती सर, तो हम तो नहीं जानते कि वो भागा कैसे, सर हम नहीं जानते वो कैसे भागा, ये लोग देश की जनता नहीं जानना चाहते, बताइए ना कैसे भागे साहब, साहब जब भयभीत होता है ना कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भयभीत होता है, अगर वो भयभीत होता है वो भागेगा, भागेगा तो आप उसको पकड़ोगे ना, कैसे भागा आज ये लोग जानना चाहते हैं। साहब मेरी बात को समझ लीजिए, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। ये ही विजय माल्या पहले अपराध भी करते रहे, बैंकों से लोन लेते रहे, गबन करते रहे, और कांग्रेस के शासन काल में ये सबसे बड़े, कैसे समझाओगे 2019 में ये मुद्दा मिल गया है इनको, देखिए चौधरी साहब आज बहुत पावर में है, मुस्कुरा भी रहे हैं, इसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और बोलेंगे, अरे भाई आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी नहीं होने देना चाह रहे, ये इन्हीं बड़े नेताओं के साथ राज्यसभा में बैठते रहे, इन्होंने उन्हें राज्यसभा से भी नवाजा, इन्होंने उन्हें जो है लोन भी दिए, इन्होंने उनका बिजनेस भी ग्रोथ किया, या बिहाइंड द स्क्रीन ये उस बिजनेस को चलाते रहे, किंगफिशर का असली मालिक कौन है ये देश के सामने खुलासा हो जाता, इसीलिए तो उन्हें भगाया, किसने भगाया, वो मुखौटा बना के विजय माल्या को कौन भगाया जा रहा था, सरकार कैसे भाग गया वो, लुकाओ की नोटिस जारी किया गया, कैसे भाग गया वो, आरोप तो आपके ऊपर लगाए कि आप लोगों ने भगाया, अरे सर जनता को कैसे समझाएंगे, पकड़ने वाले हम पकड़ने वाले थे इसलिए भाग गया,
हम पकड़ने वाले थे इसलिए भागे। इसी सवाल पे जितेंद्र जी आपके पास आएंगे कि आपको लगता है कि विजय माल्या के पहले तो वो चोरी करता रहा। मामले पे आपका जवाब हो गया। अब हम कांग्रेस के पास आते हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जितेंद्र। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि मुद्दों की तलाश में आप बहुत दिन से थे, अब आपको एक राफेल का मुद्दा मिला, हालांकि उसकी हकीकत क्या किसी को नहीं पता। अब आपको ये एक मुद्दा मिल गया कि माल्या ने वहां बयान दिया कि भाई जेटली से हमने मुलाकात किया है, अब आपको सरकार को घेरने का, और एक बड़े कद्दावर नेता जिसको बोला जाता है कि नंबर टू का आदमी है, मोदी के बाद दूसरा नंबर माना जाता है उनका, तो आपको उनको ऊपर हमला करने और उनके जरिए मोदी पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया, इसको लेकर आप लोकसभा में जाएंगे। देखो, बात हमले की नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला, हमारे देश की जनता का टैक्स का पैसा है वो लेके भागा है और इनके सरकार में भागा है, तो ये आपने हाथ में हथियार किया क्यों है, उसे पैसे दिया क्यों है, आपने उसे भागने का रास्ता दिया क्यों है, आपने उसे पासपोर्ट दिया क्यों है, कुछ कहा नहीं है आपके बारे में। अभी मेरे भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे दाऊद इब्राहिम ने भगा दी, भैया कांधार में कितना भगाया था सर, भटका आतंकवादियों को वहां सर मुद्दे पर भरे, नर्सर का मामला खुल जाएगा, फिर आप बोल नहीं पाओगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप दब जाओगे। जी बोलिए, क्या ये लोकसभा में बड़ा मुद्दा आप उसको बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे, और राफेल का कोई मामला कोई छोटा नहीं है, जो ये कह रहे कीमत बताने में, देखो कीमत बताने में कोई बुराई नहीं, राफेल कर चुका देना चाहिए। हाँ। कि मतलब ये मुद्दे आपको मिल गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में जाएंगे मुद्दा बना रहे हैं हम, जनता की नहीं, हम जनता 2019 के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे के जनता है नहीं, मुद्दा बना रहे हैं नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा क्या देश से जुड़ा मुद्दा है, कौन लगाएगा? अच्छा, वो किसके दम पे आप चुनाव में आओगे, आपका वजूद तो खुद का कुछ है नहीं। ठीक है, आप दोनों पार्टियों का व्यू जाना, एके मिश्रा जी हमारे साथ समीक्षक है, आपको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, बोला जाता है कि भाई राजनीति में मुद्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं, हर बयान के हर घटनाक्रम के एक मायने होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसका लफा नुकसान लेती हैं। अब ये जो मामला है विजय माल्या के मामले पे, अरुण जेटली पर हमला सीधे सीधे किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और वो मोदी के बाद दूसरे बड़े आदमी माने जाते हैं बीजेपी में, तो ऐसा आपको लगता है कि इस कांड के बाद से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है और इसका खामियाजा उसको 2019 में भुगतना पड़ेगा? अंजनी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, क्या सही है क्या गलत है वो एक डिफरेंट चीज है। हाँ। कोई एक अफवाह भी वोटरों हाँ। की मना स्थिति को बदलने के लिए बहुत काफी होती है। हाँ। मंडल कमंडल और उसके बाद आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही मुद्दे हैं, तीन तलाक के मुद्दे ऐसे ही मुद्दे हैं, बेनिफिट कम होता है लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट इंस्टेंट होता है। हाँ। इसीलिए पार्टियां बनाती हैं। मैं एक चीज और बोलता हूं, भूल जाइए ये मुद्दे को, रिकवरी होगी कि नहीं होगी वो डिफरेंट चीज है। देखिए होता क्या है, बीजेपी क्यों बैकफुट पे आएगी, एक कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल वियर एंड टियर। इतने बड़े देश को जब आप चलाते हो ना कुछ गलतियां आपसे होती हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके रखा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ द पास्ट इयर्स, पास्ट की जितनी भी गवर्नमेंट थी, लेकिन एक नेचुरल वे में कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। कांग्रेस को इन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया था, कांग्रेस को अब मुद्दे मिलने लगे हैं, और इसका फर्क कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूं। गुजरात इलेक्शन के टाइम पे ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक टीवी चैनल पे, नो मोर क्लीन स्वीप बाय बीजेपी। उसका रीजन है, विकास का मुद्दा गुजरात इलेक्शन के बाद दफन हो गया, उसके बाद इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, ना मुद्दा बनाया। एक मुद्दे को आप कितनी बार कितनी देर तक भुनाओगे, जो वोटर्स होता है उसकी भी मेंटेलिटी मोनोटोनस हो जाती है, वो नया चाहता है, तो इसलिए विकास की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि धीरे धीरे करके एक एक मुद्दे ऐसे निकलेंगे, वो सही हो या गलत हो वो जांच का विषय है, लेकिन अगर र्यूमर भी ऐसे बनते हैं और मुद्दे निकलते रहेंगे जी, मान लिया जाए कि जो बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी सीना ठोके कहते हैं कि एक आरोप साबित कर दो तो जाने, अब मतलब इसी बहाने ये लोग उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, भाई तुम्हारे राज्य में भी घोटाला हुआ है, जैसे इनके राज्य में लगातार घोटाले घोटाले होते थे, अब इनको भी एक मुद्दा मिल गया। सिंह साहब देखिए, आपने बड़ी उम्दा बात बोली है, आरोप दो तरीके के होते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट वो तो कमिटेड है कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन आरोप दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सरकार के अंदर कोई घटना हो गई, पब्लिक में कोई घटना हो गई, तो उसके लिए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप जिम्मेदार होते हैं, और इमेज बनना और बिगड़ना उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। तो अब विजय माल्या को मान लीजिए मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं भगाया, लेकिन असर उनके ऊपर क्यों पड़ रहा है?
ये वही क्वेश्चन का जवाब है जो आपने पूछा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में असर आपको पड़ेगा, चाहे कोई एक दुर्घटना हो जाए, चाहे कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, क्योंकि आप पावर में बैठे हो, आपने वादे किए हैं, आपने अपनी पोजीशनिंग की है कि हम बहुत सक्षम हैं चीजों को मैनेज करने में, गुड गवर्नेंस में, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक मैसेज जाता है जो बड़े लेटेंट वे में जाता है कि आप गुड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो, तो वो पब्लिक जो है उसको एज ए फेल्योर की तरह, विपक्षी पार्टियां उसको एज ए फेल्योर की तरह लेती हैं और आपका वोट बैंक खिसकना शुरू होता है। यही रीजन रहा कि कर्नाटक में 4-5 सीट ये नहीं ले पाए। तो ये है मामला, ये असर पड़ सकता है। रिजवान साहब, खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसे मामलों को राजनीतिक पार्टियां हवा देती हैं। आपने भी 2014 में दिया था जब 2G 3G जीजा जी क्या क्या आप बोला करते थे, उसका असर यह हुआ था कि इनकी सरकार चली गई। अब ऐसे ही मामले कांग्रेस वाले झूठ एक लाख बार बोले, आपको झूठ 1,00,000 बार में भी झूठ ही रहेगा। जनता उसे सच मानने वाली नहीं है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी के दो हजार उन्नीस में आने जा रहे हैं, ये रोक नहीं पाएंगे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता बन गई है जुमले वाली पार्टी। आपके नेता खुद कह चुके हैं, वो जुमला था हमारा पीछे जो चुनाव हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो अभी जो इनकी आंखें बंद है, पट्टी बांध रखी है, मैं अंजलि जी बता दूं, 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इनको पता चल अच्छा, जाएगा। आप ये बता दीजिए जितेंद्र सर, छुपा रहे हैं चुनाव में आएंगे, क्या प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? इन लोग आपके साथ में आएंगे, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? सही बात को सही कहने में डर लग रहा है इनकी पार्टी में। सुब्रमण्यम स्वामी सही को सही बात कह रहे हैं। जितेंद्र जी बड़े अदब के साथ पूछता हूं, जितेंद्र जी सम्मान के साथ पूछता हूं, जो आप चुनाव में आएंगे आपका प्रधानमंत्री मेरी पार्टी के लिए मेरे समर्थन किसे बनाएंगे? वो सही बात कही है, सही बात कही है। क्या दिक्कत है? राजस्थान में 2019 में हारने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हारने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अरे साहब बुरा हाल होने वाला है। अभी ये मुद्दा कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री का चुनाव में भी तीन राज्यों के चुनाव में पता चल जाएगा। रिजवान जी आप कहां से, आप एक बात का जवाब दीजिए। जनता कह रही है आपकी बात, जवाब दीजिए। नमस्कार जनता, ये कह रही है मोदी जी आपकी बात, दूसरे नमस्कार, तुम्हारे पास आने वाली नहीं है जनता, ये ध्यान रखना। आप मुझे ये तो बताइए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आप हमसे मत पूछिए, आप अपनी बात, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए देश की जनता को। बताइए जनता को बेवकूफ मत बनाइए, आपने देश की जनता को ठगा है, महसूस कर रही है जनता, धोखा किया आपने जनता के साथ। आपने कभी 370 धारा के बारे में बात करते हैं? चाइना आप में नहीं है, आप आपकी सरकार है। चाइना 3 बार घुसपैठ कर चुका है उत्तराखंड की सीमा में, भाजपा में नहीं है प्रधानमंत्री मान उसके ऊपर है, आप बताइए। ठीक है, अगस्त में चाइना ने आप जवाब दीजिए। 3-4 राज्यों में चुनाव होना है, अब तो तेलंगाना भी आ गया, कई राज्यों में चुनाव होना है लोकसभा से पहले, और ये सब मुद्दे जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं वो असर डालते हैं। देखिए झूठ कभी भी कहीं भी प्रभावी नहीं रहा। अरे सर, झूठ की राजनीति आजकल हो रही है, झूठ की राजनीति हो रही है, वो प्रभावी नहीं होगा। और आप देखना, निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमने जनता के बीच में काम किया है, हम काम के आधार पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप देखना, हम पुनः वापस अपनी सरकारें बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि आपकी सरकार वापस आएगी, लेकिन फाइनल कमेंट लेंगे हम एके मिश्रा जी आपसे। अब आपने देखा कि तीन राज्यों में चुनाव होना था, अब तेलंगाना भी आ गया, मिजोरम है, 4-5 राज्य हो जाएंगे चुनाव लोकसभा से पहले। हालांकि बात ये भी चल रही है कि हो सकता है इसको एक साथ करवा दिया जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन अब आपको लगता है कि अगर ये 5 राज्यों में चुनाव लोकसभा से पहले होते हैं, जो कि 2-3 महीने 4 महीने का समय होगा, ये मुद्दे, अब इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, बीजेपी पर कितना मुश्किल होगा, कितना भारी पड़ेगा ये सब मुद्दा? नहीं देखिए सिंह साहब, मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली जो मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसका कुछ न कुछ असर पड़ता है। विजिबल और एक्सपीरियंस करने के लायक, यानी कि टेंजेबल या इनटेंजेबल वे में उसका असर पड़ता है, ये डिफरेंट चीज है। हो सकता है बीजेपी फिर सरकार बना ले, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से फर्क क्या पड़ता है कि आपकी जो ग्रैंड विक्ट्री रही है ना, वो ग्रैंड विक्ट्री नहीं रहेगी। जैसे गुजरात में आपकी मार्जिनल विक्ट्री हुई, कर्नाटक में आप 4-6 सीट से पीछे रह गए सरकार बनाने से। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट बना ले या कांग्रेस बना ले, लेकिन इन मुद्दों को अगर बीजेपी ठीक से टैकल नहीं कर पाई, देखिए
चार साल तक बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉलिटिकल होलसम अट्रैक्टिवनेस को मेंटेन करके रखा, मैग्नेटिज्म को मेंटेन करके रखा। ये ऐसे मुद्दे छोटे छोटे जो निकलते हैं वो डीमैग्नेटाइज करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज को, और धीरे 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 करके पब्लिक कन्विंस होती है, आपका वोट बैंक खिसकना शुरू होता है। तो इसमें रिजल्ट दो होंगे, हो सकता है उतनी ग्रैंड स्लैम आपकी विक्ट्री ना हो, क्लीन स्वीप आप ना कर पाए, बॉर्डर लाइन पे चले जाएं, बॉर्डर लाइन से कुछ कम हो, आपको बाहरी लोगों से लेना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इतना तय है कि अगर बीजेपी इसको उतने इफेक्टिव वे में नहीं करती तो असर पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा लेकिन सरकार में बीजेपी आ जाएगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी, बहुत बोल सारा की नहीं। देखिए अभी सर साल भर का 9 महीने का टाइम है, यहाँ पे तो एक एक दिन में सारी मानसिकता बदल जाती है। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जितेन जी आपका, मिश्रा जी आपका, और